वेलकम फ्रेंड्स, सीबीएसई ने 2021-22 सेशन के लिए बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 12th और 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसको लेके बहुत सारी बातें कही गई हैं, और इस नोटिफिकेशन में स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22 लाया गया है। दूसरा जो चीज़ इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, करिकुलम ट्रांजेक्शन, मतलब ये कि एग्ज़ाम में कितना करिकुलम आएगा और उससे आपके एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन के शेड्यूल के बारे में बताया गया है, और लास्ट है असेसमेंट किस तरह से होगा इस सेशन में ये बताया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से उस नोटिफिकेशन के सारे डिटेल्स को जानते हैं। पहला और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि सीबीएसई ने कहा है कि एकेडमिक सेशन जो है वो दो टर्म में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें हर एक टर्म में 50% सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम आपका अब दो टर्म में होगा, ठीक है। पहला एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर दिसंबर में, और दूसरा एग्ज़ाम होगा मार्च अप्रैल में। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। दूसरा अपडेट क्या है कि द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2021-22 विल बी रेशनलाइज्ड। मतलब ये है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सीबीएसई ने कहा है कि 2021-22 के लिए जो सिलेबस है उसको रेशनलाइज किया जाएगा। जिस तरह से पिछले सेशन में 30% सिलेबस कम कर दिया गया था, 70% सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस सेशन में भी यही करने वाला है सीबीएसई। अब कितना परसेंट कम होगा ये नहीं बताया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 70% जो है सो सिलेबस ही पूछा जा सकता है, 30% कम कर दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सिलेबस तो कम किया जाएगा, रेशनलाइज किया जाएगा, ये सीबीएसई ने कह दिया है, और ये नोटिफिकेशन इसी जुलाई में आ जाएगा कि कितना सिलेबस रेशनलाइज किया गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है कि एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। मतलब ये है कि इंटरनल असेसमेंट जो होता है, या प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट वर्क जो दिया जाता है 10th 12th में बच्चों को, उसको जो है सो बहुत ही विश्वसनीय और वैध बनाने की कोशिश की जा रही है सीबीएसई के ज़रिए। उसके बाद सीबीएसई ने कहा है कि जिस तरह से स्कूल अभी चल रहा है डिस्टेंस मोड में ही, मतलब कि बच्चे स्कूल जा के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो इसी तरह से अभी पढ़ाई चलेगी जब तक कि स्कूल खुलने का जो है गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे देता है। तो अब टर्म वन और टर्म टू के एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस जान लेते हैं किस तरह से होगा। पहली बात तो ये है कि नवंबर दिसंबर 2021 में हो सकता है ये एग्ज़ाम। उसके बाद सीबीएसई ने कहा है कि ये एग्ज़ाम जो होगा, द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूडिंग केस बेस्ड एमसीक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ ऑन द एजर्शन रीजनिंग टाइप। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स एंड इट विल कवर ओनली द रेशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म वन ओनली, दैट इज़ अप्रॉक्स 50% ऑफ द इंटायर सिलेबस। मतलब ये है कि क्वेश्चन एमसीक्यू होगा और उसके बाद उसमें 90 मिनट्स का ही एग्ज़ाम होगा, और टर्म वन में सिर्फ और सिर्फ 50% पूरे सिलेबस का 50% से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक उसी तरह टर्म टू के बारे में कहा गया है कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म के आखिर में द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म टू और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रेशनलाइज सिलेबस ऑफ द टर्म टू ओनली। मतलब टर्म टू का एग्ज़ाम जो होगा मार्च अप्रैल में, उसमें सिर्फ और सिर्फ टर्म टू के सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद कहा गया है कि द पेपर विल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, यानी 2 आवर का एग्ज़ाम होगा आपका, और उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन उसके बाद जो है मेन जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो सीबीएसई ने कहा है कि इन केस ऑफ द सिचुएशन इज़ नॉट कंडक्टिव फॉर द नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। मतलब ये है कि अगर कोरोना वाला सिचुएशन सही नहीं होता है तो इस तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा, जो एग्ज़ाम का टाइप इन्होंने पहले बताया है। तो फिर कैसा एग्ज़ाम होगा वो भी जान लीजिए कि 90 मिनट एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म टू ऑल्सो।
उसी तरह जिस तरह से पहला टर्म में एग्ज़ाम हुआ था 90 मिनट का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बेस्ड पे, उसी तरह से जो है सो टर्म टू के लास्ट में भी 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। अगर हालात इसी तरह के रहे तो, स्कूल नहीं खुल पाया और सामान्य हालात नहीं हो पाए तो। और एग्ज़ाम के ऊपर जो CBSE ने सबसे ज़रूरी बात कही है वो ये है कि टर्म वन और टर्म टू के एग्ज़ामिनेशन में जो मार्क्स आएंगे वो कंट्रीब्यूट करेगा आपके फाइनल स्कोर में, तो इसीलिए दोनों ही टर्म में अच्छा परफॉर्म करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स CBSE ने कहा है, वो ये है कि असेसमेंट एग्ज़ामिनेशन अगर ऐसे सिचुएशन में ना हो पाया, यानी नॉर्मल सिचुएशन नहीं हो पाया, तो असेसमेंट या एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से होगा। पहला ये सिचुएशन है कि इनकेस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट आर एबल टू कम टू स्कूल्स और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम्स। मतलब ये है कि पेंडेमिक जो है उसमें जो है हालात हमारे देश के सुधरते हैं और स्टूडेंट्स स्कूल आ सकते हैं और सेंटर्स खोले जाएंगे जब, तो मतलब ये है कि उस सिचुएशन में बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म वन एंड टर्म टू एग्जामिनेशंस एट स्कूल्स और सेंटर्स एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द टू एग्ज़ाम्स। मतलब ये है कि नवंबर दिसंबर में और मार्च अप्रैल इन सभी में अगर स्कूल खुला रहेगा तो एग्ज़ामिनेशन या तो स्कूल में ही होगा जिस स्कूल में बच्चे इनरोल्ड हैं, या फिर सेंटर्स पे होंगे जिस तरह से होता आया है, और उसमें जो है थ्योरी का मार्क्स भी जो है सो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोनों टर्म के एग्ज़ामिनेशन में। उसके बाद दूसरा सिचुएशन ये है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2021 बट टर्म टू एग्ज़ाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स। मतलब ये है कि नवंबर दिसंबर में स्कूल अगर नहीं खुल पाए तो क्या होगा, द टर्म वन MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम। बच्चों का एग्ज़ाम जो है सो उनके घर पर ही होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो उनके घर पर ही होगा और MCQ बेस्ड होगा जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपका जो फाइनल स्कोर होगा उसमें टर्म वन का मार्क्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, टर्म टू का मार्क्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तीसरा सिचुएशन ये है कि इनकेस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022 बट टर्म वन एग्ज़ाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स। मतलब ये है कि अगर मार्च अप्रैल 2022 में स्कूल नहीं खुले रहेंगे और टर्म वन एग्ज़ाम्स अगर सेंटर और स्कूल पे हो सकेंगे, मतलब ये है कि नवंबर दिसंबर में स्कूल अगर खुले रहेंगे लेकिन मार्च अप्रैल में अगर बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन टर्म वन MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। मतलब ये है कि रिज़ल्ट जो आपका आएगा फाइनल वो टर्म वन में जो MCQ एग्ज़ाम होने वाला है उसके आधार पर आएगा और उसमें जो है इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा। और लास्ट सिचुएशन ये है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म वन एंड टर्म टू एग्ज़ाम्स आर टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम होम इन द सेशन 2021-22। मतलब ये कि अगर टर्म वन और टर्म टू दोनों में ही स्कूल नहीं खुले होते हैं तो एग्ज़ाम आपके घर पे ही होगा जो कि कैंडिडेट्स देंगे दोनों एग्ज़ाम, तो फिर क्या होगा कि द रिज़ल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म वन एंड टर्म टू एग्ज़ाम्स टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम द होम। तो आपका रिज़ल्ट इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क और थ्योरी मार्क्स जो टर्म वन का होगा और टर्म टू का होगा उसी के बेस पे तैयार होगा, ये सारे कंट्रीब्यूट करेंगे आपके फाइनल रिज़ल्ट में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स CBSE ने कल शाम को जारी किया है। ये सारे अपडेट जो है सो 10th और 12th दोनों क्लास के लिए फॉलो किए जाएंगे।